हेलो, क्या हाल चाल मेरे भाई बहनों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और लो यार, हम लेकर आ चुके हैं एक और नया स्टंट रेस। लेकिन यार ये मतलब ओहो, रेडियो भी पड़ा हुआ है भाई आज के ज़माने में। रेडियो, और ये क्या है भाई, ये बॉनफायर के लिए रखा हुआ है क्या? कह छोड़ो, हमें क्या करना भाई किसी और के सामान को हाथ लगाने का। और ये लो भाई, ये रहा हमारा आज का स्टंट रेस। और आज का स्टंट रेस यार पानी से शुरू होता है, मतलब आज का स्टंट रेस कुछ अलग है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कि पिछला स्टंट रेस हमारा सिंचन भाई जीता था, और भाई उसके सारे लोन्स उतर गए हैं, उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, और उसके पास अभी मतलब भाई 40 मिलियन डॉलर्स है। जी हाँ, 15 मिलियन डॉलर उसने अपने भाई साहब बिजनेस से कमाए हैं, और कल के 50 मिलियन डॉलर से उसके पास 25 मिलियन डॉलर और सरप्लस हो गए थे। लेकिन हमारे कलो भाई के साथ तो भाई बहुत नाइंसाफी हो गई, उसके ऊपर फिर से 100 मिलियन डॉलर्स का कर चढ़ गया है। खैर, ये सब तो भाई साहब इनकी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन देखते हैं भाई कि आज का स्टेटस कौन जीतता है। और आज का स्टेटस भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि थर्ड स्टेज जो कि यूजली हमारा होता है वो आज पहले स्टार्ट हुआ है। आज हमारा स्टेटस शुरुआत करेगा हमारा सिंचन भाई, क्योंकि पिछली बार यही जीता था। जी हाँ, बिल्कुल बैठ चुका है हमारा सिंचन भाई बोट में। चलो जी, बहुत सही है। स्लो स्लो, हौले हौले, कंट्रोल बहुत अच्छा है, संभल के। जी हाँ, बहुत अच्छे। इसके बाद भाई अगली बारी होने वाली है हमारे नोबिता भाई की। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, नोबिता की कोई बारी नहीं आएगी, क्योंकि मैं ही स्टेट रेस को जीत जाऊंगा। एक ही बारी में देखते रहना यार अब तो। कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छे। कभी भी भाई साहब कुछ भी हो सकता है स्टंट रेस में, तो ये कह नहीं सकते कि हमारा सिंचन भाई ही जीतेगा। लेकिन भाई साहब देख लो, जंप कितनी बड़ी बड़ी मार रहा है भाई बोट से ही। स्लो स्लो, बहुत सही, क्या बात है भाई साहब, इतना टाइट। अबे ये क्या हो गया भाई, ये खंभा कैसे टूट गया यार? लगता है भाई साहब हाई टाइट की वजह से हुआ होगा यार। मतलब जो लोग समुद्र कभी गए होंगे देखने, या समुद्र के पास रहते हैं भाई, बताना यार, मतलब समुद्र में क्या हमेशा ही इतनी ज़्यादा हाई वेव्स रहती हैं क्या? वेल, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि अभी भी सेकंड स्टेज नहीं आया है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। लेकिन अबे बे बे कलुए, ओ शट, सिंचन भाई ये क्या कर रहा है भाई, तू किस तरफ घुसा रहा था? कमाल है यार, होले होले, संभल के, बहुत सही। अरे यहाँ पर वैसे बूस्टर इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन पेशेंस पेशेंस नहीं है ना यहाँ पर प्लेयर के पास, क्योंकि पानी में कब से चलाए जा रहे हैं, सेकंड स्टेज आ नहीं रही। ऐसे में हम समझ सकते हैं भाई प्लेयर का पेशेंस लेवल गिर सकता है, लेकिन हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि स्टंट रेसेस में पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बहुत शानदार, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि आगे है सेकेंड स्टेज। वाओ, और ये बहुत सही, लेकिन एक सेकेंड, अच्छा इसके ऊपर चढ़ाना होगा मेरे ख्याल से, आई गेस। जी हाँ, बूस्टर के इस्तेमाल से बड़ी जंप, और एक और बूस्टर, और सीधा सेकेंड स्टेज पे, क्या बात है, बहुत शानदार प्रदर्शन। वेल दोस्तों, होगा भी क्यों ना, क्योंकि भाई सेकंड स्टेज में, मतलब जो फर्स्ट स्टेज था आज का, पानी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती नहीं है, क्या बात है। अब जल्दी से कोई कार चूज कर लो। जी हाँ, हमारे सिंचन भाई ने काफ़ी ज़्यादा शानदार सी कार चूज़ की है, बहुत अच्छी है यार, मुझे बहुत प्यारी लगती है। मतलब बस इसकी बॉडी मतलब ना थोड़ी सी मुझे छोटी सी लगती है, वो थोड़ा अजीब लगता है, बाकी तो भाई बहुत शानदार कार है। और हमारा कलवा, हमारा सिंचन भाई बहुत अच्छा चल भी रहा। नहीं शेट यार, ये क्या हो गया भाई साहब, स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग के चलते हमारे सिंचन भाई की भाई साहब पहली लाइफलाइन हुई खत्म। सिंचन भाई गिरा पानी में। और चलो भाई सिंचन भाई, जल्दी से चलो ट्रैक पे, क्योंकि अब बारी है हमारे प्यारे नोबिता भाई की। तो चलो नोबिता भाई, अब तुम्हारी बारी है यार। अरे नहीं नहीं मैं अभी थोड़ा रेडी नहीं हूँ, अब एक काम करो, अब कलुआ भाई को पहले भेज दो, फ्रैंकलिन भाई तू चला जा। लेकिन क्यों नोबिता भाई? नहीं नहीं मैं रेडी नहीं हूँ, मेरे को अभी नहीं खेलना, पहले आप हो आओ। अच्छा ठीक है, तो फिर पहले मैं ही चला जाता हूँ, लेकिन देख लो अगर मैं जीत गया तो हार जाओगे। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास बहुत पैसे हैं, टेंशन मत लो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अरे वाह ठीक है, तो फिर मैं ही चला जाता हूँ पहले, थैंक यू नोबिता भाई। चलो तो फिर मैं चल ही सकता हूँ रेस को शुरू, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं ही रेस को जीत जाऊँ। अभी तो सपना भी अच्छे दिखते हैं, अभी कलुए तू जल्दी से जा और जल्दी से आउट होके आए, ताकि मेरी बारी भी आएगी बाद में। अब मैं टेंगो तो बोल रहा है, अगर मैं आउट हो भी गया तब भी नोबिता भाई की बारी आएगी, ना कि तेरी। अरे है ठीक है, लेकिन नोबिता के आउट होने के बाद तो मेरी बारी आएगी ना। कुछ ज्यादा ही सपने देख रहा है, एक काम कर, थोड़ा सा पानी से मुंह धो ले, आँख खुल जाएगी टेंगो।
चलो जी, यहाँ पे नोक झोक नहीं, सिर्फ स्टंट रेस पे ध्यान दो, बहुत अच्छे, क्या बात है। पानी पे तो भाई साहब कोई इशू नहीं होगा, तो थोड़ा जल्दी से चला लो। वाह क्या बात है भाई, यहाँ पे फिर से कलुआ भाई भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, या फिर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा सा जब हवा में है तो फिर क्यों ना बूस्टर इस्तेमाल करके थोड़ा जल्दी पहुँचा जाए। अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब बूस्टर के इस्तेमाल से कहीं ये ना हो कि तुम नीचे गिर जाओ, क्योंकि भाई साहब भले ही थर्ड स्टेज है लेकिन पानी में कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल के। बहुत शानदार, होले होले, बिल्कुल जी हाँ, बहुत ऊँची उड़ान भरी है, लेकिन क्या बात है, कंट्रोल अच्छा है। दोस्तों थर्ड स्टेज में हमेशा, मतलब ऐसे स्टेज में जो पानी वाला स्टेज है, उसमें कंट्रोल हमारे प्लेयर्स का अच्छा है बोट पे, या फिर पानी की वजह से इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। आई गेस पानी की वजह से इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पानी पे बैलेंस करना थोड़ा सा इजी है बोट को। बहुत अच्छे। और दूसरा दोस्तों, कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होता। एक सेकेंड, फिर से पानी में। नहीं नहीं नहीं, बच गए, बहुत स्लो। जी हाँ, फिर से पानी में ही उतर गया हमारा कलुआ भाई, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि अभी भी भाई साहब बोट पे बना हुआ है, वरना तो इसकी लाइफलाइन भी खत्म हो जाती। बहुत सही, फिर से कोशिश। यहाँ पर थोड़ा सा भाई साहब चढ़ाना मुश्किल हो रहा है हमारे नोबिता भाई के लिए। कलुआ भाई बहुत अच्छे, हालांकि भाई साहब कलुआ भाई बच गए, वरना तो सीधा ही भाई नीचे ही जाता, थोड़ी सी कमी रह गई थी बस नीचे गिरने में। लेकिन यहाँ पर बहुत शानदार, आप देखते हैं कि कौन सी कार चूज करता है हमारा कलुआ भाई। अरे एक सेकेंड कलुआ भाई, तुम ये वाली कार चूज कर रहे हो? वेल कलुआ भाई, ये कार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, और भाई साहब कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा मैस्क है भाई। आई होप कि भाई तुम इसे कंट्रोल कर लो, वरना अगर तो तुम आउट होते हो और हारते हो आज का स्टंट रेस, तो वो उसका कारण ये कार ही होगी। वेल कार नहीं, तुम्हारी चॉइस होगी, क्योंकि भाई साहब तुमने ये कार को चूज़ किया है। ओ लेकिन अभी तक तो कंट्रोल बहुत सही चल रहा है, लेकिन संभल के रहना होगा भाई। शिनचैन भाई हमारा ऐसे ही गिरा था पीछे, इसका मतलब कि भाई साहब रिंग पार करने की कोशिश करना चाहते हैं, वो भी इस कार के साथ। काफ़ी डेंजरस रिस्क है। चलो जी, फुल स्पीड में है हमारे कलुआ भाई, स्टार्ट कर दिया। देखा भाई, इसका बूस्टर देखो कितना ज़्यादा पावरफुल है भाई। मैं इसीलिए कह रहा था कि भाई साहब ये कार काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन बहुत सही, क्या बात है, यकीन नहीं हो रहा दोस्तों कि भाई कलुआ भाई ने इस कार के बूस्टर लगाने के बावजूद भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन बहुत अच्छे कलुआ भाई, स्लो स्लो चलो, अभी भी बहुत ही ज़्यादा भाई साहब ट्रैक बचा हुआ है, अभी तो एक और स्टेज आना बाकी है। लेकिन यहाँ पे कलुआ भाई को इस कार से थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि भाई साहब ये चढ़ाई देख रहे हो कितनी सीधी खड़ी और आगे की है। ओए गोलियाँ चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब क्योंकि ये कार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इनको आसानी से चढ़ जाएंगे। बहुत शानदार प्रदर्शन यहाँ पर, और यकीन मानो दोस्तों, ओ भाई देखा तुमने भाई, इस कार की ताकत देखी तुमने भाई, हल्का सा सिर्फ उसने उड़ान लिया और कितनी बड़ी जंप मार दी। वाह क्या बात है भाई, कलुआ भाई की पावर देखो भाई, एक ही लात मार के भाई साहब इस कार का गेट तोड़ दिया। लेकिन खैर जो भी हो, इसी के साथ भाई हमारे कलुआ भाई पहुंच चुके हैं आज के स्टार्ट रेस का बिल्कुल लास्ट स्टेज में। चलो जी, कलुआ भाई बैठ चुके हैं दोस्तों बाइक पे और स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल आज का लास्ट स्टेज। बहुत सही, बच गए यहाँ पर, बच गए। कलुआ भाई प्लीज़ भाई थोड़ा सा बैलेंस बना के रखो, क्योंकि भाई साहब बाइक से बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये है बिल्कुल लास्ट स्टेज। एंड आई डोंट वॉन्ट कि भाई तुम्हारी इतनी जो मेहनत से तुमने मतलब यहाँ तक पहुँचे हो वो ख़राब हो जाए। बहुत अच्छे, क्या बात है। लेकिन संभल के भाई साहब, ये ब्लास्ट होते ही ना मतलब गाड़ी के बैलेंस को ख़राब कर देते हैं। सही, बच गए। संभल के कलुआ भाई, क्योंकि तुम्हारी बाइक काफ़ी ज़्यादा भाई साहब इधर उधर डिसबैलेंस हो रही है, और हो सकता है कि भाई तुम यहाँ पे गिर जाओ। ये देखो, मैंने कहा था ना दोस्तों कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही है इसकी बाइक। बहुत अच्छे, शानदार प्रदर्शन। लेकिन ऑब्स्टिकल से बच के रहना होगा अभी भी दोस्तों। एंड आई गेस वहाँ पे एंड है, लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ तक पहुँचने से पहले कलुआ भाई को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना है, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स को देखना है। सही, बहुत शानदार प्रदर्शन। लेकिन संभल कर यहाँ पर, ओ शेट, बच गए। स्लो, शानदार, बच गए। यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हुई, थोड़ी सी भी अगर, बच गए भाई।
किस्मत है ये कलुआ भाई की या फिर क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो भी हो भाई, हमारे कलुआ भाई बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और शानदार प्रदर्शन, नीचे गिरना होगा। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से गिरे। एक और जंप, बहुत सही, यहाँ पर डबल जंप है। ये ऑब्स्टिकल्स हवा में है, क्या बात है। लेकिन हमारा कलुआ भाई भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, अपने शोल्डर से ही उन सारे ऑब्स्टिकल्स को फोड़ दिया। बहुत सही, ये भी गिरा नीचे। आगे हैं सीढ़ियाँ, लेकिन सीढ़ियों पे थोड़ा सा संभल के, शानदार प्रदर्शन। बहुत शानदार टर्न, आगे है एक और टर्न, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बिल्कुल हम लास्ट स्टेज तक पहुँच चुके हैं, या फिर कहूँ तो पहुँच गया है हमारा कलुआ भाई। और जी हाँ, ओ शिट, बच गया भाई, वरना तो लास्ट स्टेज में आने के बावजूद भी ये नीचे गिर जाता। चलो जी, इसी के साथ हमारे कलुआ भाई बन चुके हैं दोस्तों आज के स्टंट रेस के विनर। क्या बात है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। लेकिन अब हेलमेट तो निकाल दे मेरे भाई। ओए कलुए, हेलमेट निकाल दे भैया, क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही भाई साहब ट्रैफिक लॉज को पालन करने वाला बन गया था। तो क्योंकि कलुआ भाई, तुझे भाई $50 मिलियन मिलेंगे। लेकिन यार, क्योंकि तू वो स्टंट रेस हार गया था पिछले वाला, इसीलिए $50 मिलियन में से इसीलिए वो 50 के $50 मिलियन चले जाएंगे हमारे नोबिता भाई के पास। और तेरे पास रहेंगी सिर्फ ये दो सुपर कार्स और ये एक बाइक, जिसको कि तूने स्टंट रेस जीतने के लिए इस्तेमाल किया है। और मैं सही बता रहा हूँ, ये दोनों सुपर कार्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिल्कुल इम्पोर्ट करके मंगाए गए हैं। और ये वाला तो दोस्तों और भी ज़्यादा, अरे ये बाइक नहीं यार, ये कार, जी हाँ ये कार काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है दोस्तों, बिल्कुल इंपोर्ट करके मंगाई गई है। तो कलुआ भाई, इसको संभल के रखना भाई, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर स्क्रैच आया या फिर थोड़ा सा भी इस पर गड़बड़ी हुई तो इसको रिपेयर करवाने का खर्चा ही मिलियंस में है। तो थोड़ा सा संभल के भाई, इससे स्टंटर सब उल्टा क्यों शुरू कर दिया। अरे नहीं, मैं तो लेके जा रहा था। अब एक गधे, अभी भाई साहब आएगा हेलीकॉप्टर और इन दोनों कार्स को एयरलिफ्ट कर देगा, तो तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स, चिल, जब हेलीकॉप्टर आएगा तो तू भी उसमें बैठ के बस निकल जाना। सच में? अरे हाँ हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है, तो फिर मैं वेट करता हूँ। चलो जी, कलुआ भाई पहुँच चुके हैं भाई दोस्तों अपने घर पे, क्योंकि भाई साहब उनके जो दोनों सुपरकार्स थे वो उन्होंने मतलब अपने एक गैराज में रख दिए हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस कार्स हैं वो। और क्योंकि आज कलुआ भाई जीते हैं तो उनका भाई साहब लोन कुछ हद तक कम हुआ है, इसीलिए आज पार्टी तो बनती है, क्यों कलुआ भाई? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बनती है, शानदार जानदार पार्टी दूंगा, क्यों ना बता भाई। अरे हाँ, हम लोग बिल्कुल पार्टी करेंगे, बहुत ही ज़्यादा शानदार पार्टी होगी। तो चलो तो फिर तैयारी करते हैं जल्दी से पार्टी की, सबको बुलाते हैं, मज़े करते हैं। ठीक है ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पार्टी मैनेजर को बुला लेता हूँ, वो सब कुछ अरेंज कर देगा। ठीक है भी कर लूँगी, मतलब आज तो मज़ा आ जाएगा। अरे हाँ बिल्कुल मज़ा आएगा। तो चलो भाई साहब, करने तो यार कलुआ भाई को पार्टी शार्टी, करे तो मज़े, हम भी चलते हैं यार, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक यार, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, डू सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड। क्या बात है भाई, कलुआ भाई से खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। वह दोस्तों, कलुआ भाई मैं तुझे अब यही कहूँगा कि भाई अगला स्टंट रेस भी जीत जाना, क्योंकि अगला स्टंट रेस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। तो चलो यार, इसके साथ करते हैं हम अपने वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड।